Hey guys, so मैं अभी रोम का वीडियोज़ एडिट करना शुरू किया है. तो ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्लेसेस आप घूम सकते हो रोम में और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो बेसिकली. तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, अगर आपको करना है तो आप एक दिन में भी कर सकते हो. मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप दो दिन आराम से करके करो, बट इनकेस यू शॉर्ट ऑन टाइम तो आप एक दिन में भी घूम सकते हो क्योंकि सब बहुत पास में है बेसिकली. अगर आप सुबह जल्दी स्टार्ट करते हो तो आप रात तक ख़त्म कर ही लोगे सारी प्लेसेस, तो दैट्स नॉट एन इश्यू. तो यस, तो मैं ये वाला वीडियो एक्चुअली वैटिकन सिटी के बाद करूँगी क्योंकि पहले मैंने उस पर फोकस किया है. तो वहाँ पर वैटिकन म्यूजियम्स मैंने आपको आप ऊपर देख लेना, तो वो वाला वीडियो मैं ऐड कर दूँगी कि वैटिकन म्यूजियम्स में मतलब कितना टाइम लगता है, कैसे आप टिकट ले सकते हो और क्या कहते हैं अगर आपको उधर ऑनलाइन ख़रीदना चाहिए कि ऑफलाइन, तो वो सब मैं डिटेल्स इधर वीडियो में दे दूँगी तो आप देख लेना. और वैटिकन सिटी से आप उसी दिन चाहे तो पूरा रिमेनिंग रोम टूर कर सकते हो जैसे अभी आप आगे देखोगे, या फिर आप अगले दिन कर सकते हो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. द डे यू डू वैटिकन यू कैन आल्सो डू कैस्ट्रो सैन एंजेलो क्योंकि दोनों साइड में ही है, वो 15 मिनट वॉक ही है वैटिकन म्यूजियम से. तो या अभी हम वो देखने जाते हैं. This is it. Oh my head. Another word. Darling, kiss me. ट्रेवी फाउंटेन यहाँ पे कहते हैं अगर आप एक कॉइन पे विश करके पानी में डालोगे फाउंटेन में तो वो पूरा हो जाता है, और दूसरा कॉइन आप रोम वापस आने के लिए डालोगे. तो लेट्स सी, होता है कि नहीं होता, आई मीन ऑब्वियसली अभी तो नहीं पता चलेगा, बट ठीक है. डालने में क्या जा रहा है? ट्रेवी फाउंटेन और अलग ही भीड़ है यहाँ पे. Make a wish. This is for returning to Rome. ये है हमारा कोलोसियम. Let's
ये कोलोसियम के सामने एक गार्डन है, तो उधर का ये व्यू है, इट्स यूनिक। शाम को बहुत भीड़ होती है, अभी कंपैरेटिवली कम भीड़ है। सो स्पैनिश स्टेप्स यू गाइस। फेमस कोलोसियम गाइस, अंदर से हम कल या परसों देखेंगे, अभी के लिए आप यहाँ से देख लीजिए। सो गाइस, गर्मी हो गई है, 11 बजे गर्मी हो जाती है यहाँ पे, तो मैंने सोचा है कि अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा खाने के लिए, भूख लग रही है, थोड़ा उधर बैठ के कुछ तो फोन पे काम भी कर लूँगी, मे बी कल के लिए वीडियो एडिट कर लूँगी। तो या उसके बाद लेट्स सी, कहीं और बैठने का देखना पड़ेगा, मे बी कोलोसियम के नीचे वहाँ पर बहुत सारे एरिया है बैठने को, दैट फील्स गुड। देन शाम को फिर दोबारा जब थोड़ी धूप कम होगी तो आई विल गो आउट एंड एक्सप्लोर। वन थिंग टू रिमेंबर कि यहाँ पे मोस्ट जगह पे आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा खाने के लिए, चाहे आप कैफे जा रहे हो या रेस्टोरेंट जा रहे हो, तो जस्ट रिमेंबर टू डू दैट। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ गाइस, और अभी मैंने लज़ानिया ऑर्डर किया है और रोस्टेड पोटैटो और उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि लज़ानिया मैंने अभी तक यहाँ पे ट्राई नहीं किया है, पिज़्ज़ा तो मैंने दो तीन बार ट्राई कर लिया, मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो लेट्स सी हाउ इट इज़। दिस इज़ द प्लेस, यू कैन कम हियर गाइस। तो ये मेरा सेकेंड लास्ट डे है रोम में, एंड आई मीन ऐसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ, मतलब सब कुछ तो नहीं ऑब्वियसली, जो भी मेन अट्रैक्शंस हैं वो घूम लिए हैं, बट या आई हैव दिस टुडे एंड टुमारो। तो आज मैं देखने वाली हूँ कोलोसियम रात को, क्योंकि मैंने अभी तक उसे लिट अप नहीं देखा है, तो या वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, सो लेट्स गो। That St. Peter's Basilica, which you can see. That's Colosseum lit up at night. So cute. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ मैन, प्लीज़। ओके बॉय।